अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, मैं हूँ आपके साथ ज़ीशानुल्लाह और आज हम आपको लेकर चलेंगे ट्रायल 5 जो कि इस्लामाबाद में वाक़िया है। ट्रायल 5 के स्टार्ट में एक ख़ूबसूरत सा छोटा मस्जिद आपको नज़र आएगा, वहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं, वहाँ पे आप नमाज़ भी पढ़ सकते हैं और इस ख़ूबसूरत से मस्जिद को देख कर आपके दिल को सुकून मिल जाएगा। पहाड़ी वादी कुदरत का हसीन तोहफा है। पहाड़ों के दरमियान आपका खड़ा होना आपको आसमान का बाबरकत मंजर महसूस करने पर मजबूर करता है, जैसा कि हरियाली को आपको मजबूती से गले लगाती है। ये महसूस होता है कि ठंडी हवा नरमी से आपको छू रही है। आप देखते हैं कि दरख्त हवा की धुन पर अपने रब को सजदा करते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि परिंदे खुशी से चहचहाते हुए अपनी खालिक़े हकीकी अल्लाह की हम्द सना बयान करते हैं। मेरी ज़िंदगी ठंडी, तारीक और ख़ौफनाक है। बारिश होती है और हवा कभी नहीं थकती। मैं भी बारिश की तरह बरसता हूँ और हवा की तरह कभी नहीं थकता। मेरे ख्यालात इस दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। सूरज के किरणों की तरफ बहुत दूर मौत की दुनिया में, आसमान और सितारों के नीचे, शाम और दिन के नीचे, मुकम्मल चांद की दीदार के साथ, सितारों की चमक और ग़ुरूब आफ्ताब के जामनी रंग के नीचे, एक ख़ूबसूरत शहर, शहर इक्तदार इस्लामाबाद पाकिस्तान, जहाँ पर ट्रायल 5 वाक़िया है। कभी बहार की कली, कभी गर्मियों की हंसी, कभी मोहब्बत का ख्वाब, कभी परिंदों की चहचहाहट, लेकिन सिर्फ खामोशी और तेज़ हवाएं। वो सुबह की किरण ठंडी और बेरौनकी, इन हसीन पहाड़ियों और ख़ूबसूरत नज़ारों से गुज़र कर हम अपने मंजिल मकसूद यानी कि ट्रायल 5 के इख्तितामी मकाम पर पहुंच गए। यहाँ पे बहुत ख़ूबसूरत जगह बनाई गई है और यहाँ पर आप लोग बैठ भी सकते हैं और बैठने के लिए ख़ूबसूरत सी जगह बनाई गई है जहाँ आपको पानी भी मिलता है और ये जगह देखकर आपको सुकून भी मिल जाता है। तो ये रहा ट्रायल 5 का आखिरी पॉइंट, यहाँ पर ट्रायल 5 इख्तिताम पज़ीर हो जाता है।